हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जियोलॉजिस्ट। ये चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट पार्ट है। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेंस फार्मूला के बारे में, मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज के बारे में एंड पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट रहता है पूरे चैप्टर में आपको पूछ लेना है, कभी आपको मना नहीं किया है, जब आपको मन करे तब पूछ लेना, लेकिन पूछना ज़रूर है। ठीक है, कैसे पूछोगे? सोशल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड ईमेल एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जैसे मर्जी चाहो पूछ लेना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें लेंस फार्मूला की। तो बच्चों जैसा आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, सेम लेंस फार्मूला है, बस यहाँ पे साइन का फर्क है। मिरर फार्मूला क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। ये है आपका लेंस फार्मूला। अच्छा, एक चीज और बतानी है मुझे आपको, वो ये है कि आपने साइन कन्वेंशन पढ़ी हुई थी पहले, जब आपने ये रे डायग्राम बनाना सीखा था ना मिरर में, तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या है? जो एफ है, फोकल लेंथ है, वो कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की तो होगी पॉजिटिव, ठीक है। वहीं जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, वो होगी नेगेटिव। ये ध्यान रखना है आपको, समझ गए? जो आपको फोकल लेंथ लेके चलनी है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेनी है एंड कॉनकेव लेंस की नेगेटिव, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव लेनी है। बस इतना ध्यान रख लेना, लिख लो इसे अभी, वरना ना जब क्वेश्चन करोगे ना कन्फ्यूज हो जाओगे। एंड एक बात और ध्यान रखना, जैसा मैंने पहले बोला हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको रे डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है। एंड क्वेश्चन में कभी कभार बोल भी देंगे वो लोग, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो बोलेंगे रे डायग्राम बना के दिखाओ या मत बना के दिखाओ। 5 मार्क्स का है तो गारंटेड आपको रे डायग्राम बनाना है, एंड वो 2 मार्क्स का आता है रे डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दूँ। चलो हम आते हैं लेंस फार्मूला पे। तो लेंस फार्मूला बिल्कुल सेम है मिरर फार्मूले की तरह, बस यहाँ पे जो साइन है उसका फर्क है। 1/v - 1/u हो रहा है यहाँ पे, = 1/f, याद कर लो ये इतना, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन ये दिखा रखी है, इतना समझ गया, समझ आ गया आपको? ये सारी जनरल कंडीशन में वैलिड है, ठीक है, सारे स्फेरिकल लेंसेज में, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा इससे रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25। देखो अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताई थी, अभी क्वेश्चन आ गया। तो यू आपको कितना दे रखा है? 25। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपको लेके चलना है, ठीक है, पहले बता दिया मैंने आपको। क्या लेके चलना है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सबर करो। फोकस की बात करते हैं, फोकस क्या है? 25। कॉनकेव है, नेगेटिव ले लिया। अब कॉनकेव लेंस हमारा ऐसा होता है ना, ये बोला हुआ है कि इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो यहाँ बन रहा है भाई, ठीक है, यहाँ बन रहा है, ये गारंटीड है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। देखो मैंने सिर्फ फोकस के लिए बोला था चेंजेस करने को, बाकी और किसी के लिए नहीं बोला। तो बाकी जैसी साइन कन्वेंशन पहले थी वो ऐसी रहेगी, तो यू आपका नेगेटिव होगा, एफ भी आपका नेगेटिव है। समझ में आया इतना? इतना लिख लिया आपने, ठीक है, कर लो। लोकेशन बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताने, यानी कि इसका इस्तेमाल कर लो भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। आपको क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, इसको इधर ले जाओ तो 1/v आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या होगा आपका? 1/v = 1/f + 1/u। अब सॉल्व कर लोगे पक्का? अब तो वैल्यू पुटिंग करनी है यार, ये तो कर ही सकते हो ना, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? वी, वी आपका आ गया इतना, ठीक है। जब आपको वी पता चल गया तो बस। अब देखो, अब आप बोलोगे सर नेचर हम कैसे बताएंगे? अरे यार नेचर सिंपल सा है ना, कॉनकेव लेंस है, नेचर क्या होगा उसका? वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। एंड साइज आपको पता ही है कि जितना आपका ऑब्जेक्ट है उससे कम है तो डिमिनिश कर दोगे, बस हो गया क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म, सिंपल सा था। चलो मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज पे आ जाएं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है?
मैग्नीफिकेशन से आपको पता चलता है कि इमेज कितनी मैग्नीफाइड हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, लार्ज हो सकती है। तो फॉर्मूला वही है पहले जैसा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ये रहा एच आई अपॉन एच ओ, एंड क्या है एम इक्वल टू वी अपॉन आई। वहाँ पे जो मिरर वाला था वहाँ पे माइनस का वी अपॉन यू था, यहाँ पे क्या है वी अपॉन यू हो गया सिर्फ, बस सिंपल सा है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, ठीक है। जब आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव है, एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा तो नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि जब आपकी इमेज रियल बन रही है, बस इतना याद रखो, इमेज वर्चुअल है मैग्नीफिकेशन है नेगेटिव, इमेज रियल है मैग्नीफिकेशन है, सॉरी इमेज वर्चुअल है मैग्नीफिकेशन है आपका पॉजिटिव, एंड जब इमेज रियल है मैग्नीफिकेशन आ रहा है नेगेटिव। बस इतना याद कर लो, लिख लिख के याद कर लेना, पहले बता रहा हूँ, बाद में कन्फ्यूज मत होना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बना लो पहले कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर टॉल हाइट दे दी आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी आपको, ठीक है, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी आपको। अब देन आपको क्या बोला है, परपेंडिकुलर यानी कि सीधा खड़ा हुआ है। फोकल लेंथ आपको दे दी 20, तो इसकी पॉजिटिव लेके चलनी है। एफ आपको दे दिया 20, ठीक है। डिस्टेंस यू दे दिया, यू आपका कितना होगा इसमें, यू नेगेटिव होगा आपका 30 में। एफ दे दिया, यू दे दिया, वी नहीं निकाल पाओगे। जब आप इतना कर लोगे तो बस बाकी भी निकाल लो, कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट करके दिखाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तो वही आपका फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u, ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इससे क्या निकालोगे, आपका v आ जाएगा, v कितना आएगा, v आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। निकालोगे तभी आपको पता चलेगा। देन फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या है, h i अपॉन में h o, ठीक है, इतना कर दिया। इक्वल टू में क्या है, v आपको पता है, u पता है, लिख दो, ठीक है, v अपॉन u, m हटा दो यहाँ पे, h i आपको निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका क्या बनेगा, ओवरऑल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये बनेगा h i इक्वल टू v इंटू में h o अपॉन में u। बस हो गया आपका एच आई निकल गया, हाइट ऑफ इमेज निकल गई, बस खत्म। देन आपको बताना है क्या क्या है, हो गया काम आपका। एंड क्योंकि कॉन्वेक्स है तो आपको पता ही है फिर क्या है, रे डायग्राम बना लोगे तो आपको पोजीशनिंग कंफर्म हो जाएगी। समझ में आया इतना क्या करा मैंने, आ जाना चाहिए वैसे तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस को हम कैसे देखते हैं, पी फॉर पावर, फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन f। यूनिट क्या है, डी फॉर डायोप्टर, ठीक है। एंड जो फोकल लेंथ होगी वो मीटर में होगी, ये ध्यान रखना भाई, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करो उसे, ठीक है। जनरली मीटर में है तो मीटर में लेके चलना, अदरवाइज डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, अगर सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखे तो आप आंसर में फिर सेंटीमीटर में निकाल लेना, ठीक है, समझ में आया। एंड सेंटीमीटर में निकालोगे तो कैस क्या हो जाएगा, ये 100 अपॉन f हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका 1 अपॉन f मीटर में है ना, तो ये 100 अपॉन f हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। यूनिट क्या है, पर मीटर की हो गई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बड़े सिंपल बनेंगे पावर ऑफ लेंसेज से, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है लेकिन वो भी आसान है। तो पावर ऑफ लेंस आपका यहीं ख़त्म होता है, ये रीड कर लेना खुद से, ठीक है, ये खुद से रीड कर लेना, सब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर कॉनकेव लेंस पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर आपको 2-3 लेंस दे दिए, मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपका ऑब्जेक्ट इधर खड़ा हुआ है, सबसे पहले उसके सामने है क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फिर उसके बाद आता है कॉनकेव लेंस, तो आप बताओ इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट आपका यूँ खड़ा है, तो पहले आपका जो भी है इस लेंस के हिसाब से जहाँ भी इमेज बनेगी वो आपने बना दी, वो इमेज
इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर आपको उसके हिसाब से डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बच्चों जेई नीट वालों से पूछे जाते हैं और ट्वेल्थ के बच्चों से पूछे जाते हैं, तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करें तो जरा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है, 1/f होता है ना, अगर हम मीटर की बात करते हैं तो जोड़ दो जितने भी है, 1/f1, 1/f2, जितने भी आपको वो दिए हुए हैं ना लेंस दिए हुए हैं उनको जोड़ दो, उनकी पावर को जोड़ दो, आ गया आपका आंसर। P1 जैसे कि P=P1+P2 सो ऑन जितना दिया हुआ है। एंड मैग्नीफिकेशन करना है तो मैग्नीफिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई m=m1 × m2 सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। काम की चीज़ क्या है, द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इंक्रीजेज द शार्पनेस ऑफ इमेज। जितने आप कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे लेंसेज में, आपको जो इमेज है उतनी शार्प मिलेगी, उतनी डिटेल्ड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ लेंस कैन बी यूज टू डिज़ाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज सर्टन डिफेक्ट इन इमेज। हाँ वो बात भी ठीक है, खैर इससे हमारा मतलब नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक कन्वर्जेंट लेंस है। अब कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होता है बताओ जरा भाई, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर कितनी दे दी, पावर है आपकी 8D, ठीक है। कंबाइंड विद अ डाइवर्जेंट लेंस, अब जोड़ दिया इसे किससे हमने, डाइवर्जेंट यानी कि किससे, कॉन्केव लेंस से, जिसकी पावर है 10D माइनस का 10D। आपने अभी देखा ना सिंपल जोड़ रहे हैं हम, तो सिंपल सा जोड़ दो, पहले तो पावर, फाइनल पावर निकालनी है ना, तो आप जोड़ोगे P1 + P2। P1 क्या हमारा 8 है, P2 क्या है हमारा माइनस का 10 है। आंसर क्या आएगा आपको, ये आपको खुद बताना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। इतनी मैथमेटिकल तो चीज़ें कर ही सकते हो। तो पहला आपका मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे भाई, ये तो दिक्कत की बात हो गई, कुछ नहीं आसान है। आपका जो भी आएगा फाइनल पीक की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख दोगे नीचे, ठीक है, डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप आंसर किस में निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मीटर में निकालते हो सेंटीमीटर में, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया इतना, बस खत्म, आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त। प्रोग्रेस चेक के लिए ये क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो लेंस का यूज़ करता है जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, आपको नेचर बताना है एंड उसकी पावर बतानी है। आसान है यार, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपका कोई डाउट रहता है या कुछ भी है आपको प्रॉब्लम तो पूछ लेना। इसी के साथ मेरे एंड से तो ये पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है, अब इसका टेस्ट लूँगा मैं अपकमिंग फ्राइडे को, तो तैयार रहना, ठीक है, अच्छा सा टेस्ट लूँगा, क्वेश्चन थोड़े अच्छे खासे होने वाले हैं, तो मज़ा आएगा तब, ठीक है, तब पता भी चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो कर दो, लाइक नहीं किया है तो कर दो, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर दो भाई, स्कूल के ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, तो इतना काम कर दो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।